नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप सभी मैं आशा करती हूँ आप सब सुरक्षित होंगे स्वस्थ होंगे अपना ध्यान रख रहे होंगे हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ शानदार तरीके से पूरे जोश के साथ सभी क्लास में जुड़ जाइए गुड इवनिंग सभी को राधे राधे राम राम ठीक है भैया तुम्हारी मैम लेट आती है भैया सारी गलती मैम की नहीं होती हमेशा हाँ थोड़ा बहुत अपन लेट हो जाते पर भैया लाइट गई हुई है यहाँ पर स्टूडियो में ठीक है इसलिए समय लग गया है आपका थोड़ा सा लेकिन चिंता नहीं करनी है भैया क्लास हम शानदार तरीके से लेंगे जैसे लेते हुए आ रहे और चीजों को बस आपको ध्यान से सुनना है समझना है और जो भी डाउट हो वो पूछना है ठीक है बेटा और एक और चीज एक और चीज आज रात को आठ पचास आठ बजे अपनी क्लास होती है तो हम उस क्लास को आठ बजे शुरू करेंगे और पे पे छोड़ देंगे और और एक इवेंट होगा और वो जो इवेंट होगा वो डाउट सेशन होगा जो मैंने आपसे वादा किया था कल मैंने आपसे बोला था कि आपका देखिए बहुत सारी चीजें आप सभी ने मेरे से बहुत सारे डाउट पूछे थे ये मैं आपको अभी थोड़ा बहुत बता देती हूँ वरना रात की क्लास में हम करेंगे देखिए एक तो आप सभी का था कि uh, मैम uh, मैंने आपसे बोला था कि डाउट सेशन आपका एक होगा तो आपका ये जो डाउट सेशन है रात को आठ पचास पे होगा आज तो आप सभी को क्या करना है जितना हो सके जितने कमेंट 100 200 300 जितने कमेंट आप दोगे उतना ज्यादा आपके लिए भैया ये चीज हेल्पफुल रहेगी जितने ज्यादा कमेंट मेरे पास होंगे उसी हिसाब से मैं इस डाउट सेशन को आगे कंटिन्यू करूंगी तो आप सभी के कमेंट होने चाहिए ये जो डाउट सेशन आज होगा इसमें जितने अभी तक मेरे पास जो डाउट आए उसको मैं क्लियर करूंगी साथ में दिन में जो आपकी दोपहर दो, दो बजे अभी क्लास हुई थी उसमें आपने बोला था क्लास इलेवेंथ और मैम क्लास ट्वेल्थ की प्लेलिस्ट अपडेट नहीं है बायो की तो आपकी प्लेलिस्ट भी मैंने अपडेट करवा दी है जाके चेक करना जितनी भी क्लासेस 2022 की शुरू हुई है चाहे क्लास ट्वेल्थ की जितनी शुरू से क्लासेस है क्लास इलेवेंथ की जितनी शुरू से क्लासेस हैं क्लास नीट की जो आपकी 2022 की नई क्लासेस शुरू हुई है सारी की सारी की जो प्ले है मतलब जितनी वीडियोज है वो सारी अपडेटेड है ओके okay बेटा तो भैया आपका ये काम तो करवा दिया गया है और पीडीएफ अपलोड का जो आप मैराथन की पीडीएफ मांग रहे हैं और साथ में जो आपको टेस्ट सीरीज मेरे को देना है 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 वो अभी क्लास के बाद मतलब उसमें थोड़ा सा समय लगता क्योंकि बहुत सारी पीडीएफ अपलोड करनी होती है, जो सर करते हैं तो उनको समय लगता है थोड़ा सा तो आप उसमें पेशेंस रखेंगे रात तक आपकी पी सारी अपलोड हो जाएगी मैराथन की भी साथ में टेस्ट सीरीज आपको लगातार मैं तीन चार टेस्ट एक साथ दे दूंगी दस 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 क्वेश्चन करके

करेंगे शानदार दमदार जानदार तरीके से ठीक है बेटा पहले आप सभी जुड़ जाइए जी बजे फिजिक्स की क्लास होगी बेटा हमारी आठ पचास पे शुरू हो जाएगी और भैया डाउट सेशन में ज्यादा समय नहीं लेंगे दस मिनट में अपना डाउट सेशन लेंगे ठीक है आज का तो डाउट सेशन आठ पचास का दस मिनट का ही होगा और बाकी आने वाले समय में ये आपके कमेंट पे ये आपके रिस्पांस पे डिपेंड करता है जितना सपोर्ट मुझे मिला हर एक सेशन में आप सभी का अगर मिलेगा तो मैं उसी तरीके से आगे भी बेहतरीन आप कह सकते हैं आप हर दिन सेशन लाने को बोलोगे कुछ इंपॉर्टेंट मैं हर दिन लाऊंगी वो आप पे डिपेंड करता है आपकी क्या बोलते हैं आपके भैया रिस्पॉन्स पे चलिए अब आ जाइए

पढ़ा रही हूँ और एनसीआर सब बाइबल ध्यान रखना आपकी रामायण और आपकी महाभारत कोई कुछ है कुरान को तो वो आपकी एनसीआर तो आप थोड़ी सी बेसिक बात कल की करते हैं ना रिवीजन करेंगे तभी तो आगे आज का कनेक्ट कर पाएंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं कोई भी आपको प्लांट आपको मान लीजिए आपने कोई प्लांट खोजा सबसे पहले आप उस प्लांट को पहचानते हो उसका विवरण डिस्क्रिप्शन, उसका नामकरण उसको क्लासिफाई करते हो, उस बंदे को वर्गीकरण करते हो उस उस पौधे या जानवर का क्या करते हो आप वर्गीकरण करते हो क्लासिफिकेशन के बाद उसको आप किसी एक ग्रुप में किसी एक कैटेगरी ग्रुप मतलब कैटेगरी कैट किसी एक कैटेगरी में आप उस पौधे को उस जीव को उस कैटेगरी में आप डालते हो बात समझ में आ रही है इस कैटेगरी ये जो कैटेगरी है इसमें एक बंदा नहीं है इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, ये बात हमने कल की थी और इस कैटेगरी को टैक्सोन भी कहते हैं आपकी बहुत सारी कैटेगरीज बनाई गई हैं, कौन कौन सी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है आपकी कौन कौन सी वर्गी की संवर्ग है आपका ये हमने कल देखा था सबसे नीचे स्पीसीज होती है याद करिए मेरे साथ ये ये आपसे पेपर में पूछा जाता है आपको याद हो जाना चाहिए अगर मैं इस वक्त बोल रही हूं इसका मतलब ये है कि आपको साथ साथ ये बात लर्न हो जानी चाहिए सबसे नीचे स्पीसीज जाति उसके बाद जीनस वंश उसके बाद फैमिली कुल उसके बाद भैया आपका ऑर्डर उसके बाद आपका क्लास गण वर्ग क्लास उसके बाद आपका क्या फाइलम और डिवीज़न, जिसको आप संघ कहते हैं फाइलम को उसके बाद किंगडम और जगत आपका आता है तो ये आपको सारा का सारा क्या हो जाना चाहिए याद हो जाना चाहिए बेटा अंशिका सिंह कंप्लीट होगा एक चैनल में अभी तक क्लास इलेवेंथ का एक भी देखिए सुनिए अंशिका सिंह बेटा ये जो बेटा कमेंट कर रहे हैं ना इन्होंने शायद पिछली कोई क्लासेस देखी नहीं है शायद ये जो आप कमेंट कर रहे हैं देखिए हमारा काम यहाँ पर जल्दबाजी का नहीं है एक दिन में भी चैप्टर खत्म होते हैं बेटा एक घंटे में भी चैप्टर खत्म होते हैं ठीक है और दो दिन में भी चैप्टर खत्म होते हैं समझ रहे और एक चैप्टर को जब बहुत अच्छे से जब हम बेसिक कहीं पर भी याद रखिएगा जब आप बेसिक की शुरुआत करते हो जब आधार शुरू करते हो बनाना शुरू करते हो तो वहां पर आप हमेशा स्लो ही चलते हो जब आप एक बार बेसिक आपको जब आ जाता है जब आपका आधार बन जाता है तो आप आगे वाली चीजों को एडवांस चीजों को आप फिर तेजी से करो या फिर जिस तरीके से करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे एडवांस चीजों को तो भैया हम फास्ट भी कर सकते हैं लेकिन जब आपका बेसिक बनाने की बात है लिविंग वर्ल्ड बहुत शुरू की चीजों की समझने की बात है क्योंकि ये जो स्पीसी जीनस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है ये सिर्फ क्लास इलेवेंथ तक सीमित नहीं है इसके क्वेश्चन क्लास इलेवेंथ तक सीमित नहीं है

ठीक है लेकिन जो और बच्चे ले रहे हैं भैया आप थोड़ा सा उनको डिस्टर्ब मत कीजिए बस ये मेरा कहना है कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर आप क्लास नहीं लेंगे लेकिन और बच्चे आपकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए चलिए तो आज ये भी स्पीसीज की बात हमने कही थी यहाँ तक हम शुरू किया था स्पीसीज और जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं जाति कहते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिसमें वो इंडिविजुअल वो लोग आते हैं जिसमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी होती है और स्पीसीज कौन होते हैं जो प्रजनन कर सकते हैं जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं भैया उनको स्पीसीज कहा जाता है जैसे सारे मानव क्या कर सकते हैं भैया है? मानव मानव के साथ प्रजनन कर सकते हैं तो हम एक जाति बताते हैं और हम एक स्पीशीज बनाते हैं एबल टू डिस्टिंग अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंग मोरफोलॉजिकल डिफ्रेंसेस क्या बोला है बोला है आप एक प्रजाति को आप एक जाति को दूसरी जाति से डिफरेंशिएट कर सकते हो भिन्न कर सकते हो कुछ मोरफोलॉजिकल करेक्टर्स के बेसिस पे, पे, पे पे कुछ कुछ रूपात्मक, के 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 बेसिस आधार आधार और लक्षणों आप दो प्रजातियों को अलग कर सकते हो भैया आप सारे मानव आप सभी को पता है भैया हम अलग अलग दिखाई देते हैं लेकिन हम सभी में एक ही प्रकार के करेक्टर्स है भैया हमारे दोनों भैया जितने भी मानव होंगे उनके दो हाथ होते हैं दो पैर होते हैं हम पैरों से चलते हैं हाथों से खाना खाते हैं आंखों से देखते हैं दो कान भी होते हैं भैया हमारे हमारे शरीर पे बाल भी होते हैं हमारी स्तन ग्रंथियां भी होती है हमारे अंदर डायफ्राम भी है भैया और मानव अच्छे से सोच सकता है सेंस कर सकता है चेतना होती है कॉन्शसनेस होती है हमारे पास तो ये सब फीचर सिर्फ आपके मानव के पास ही हो, सक, हो होते हैं। तो आप सिंपली अगर एक ह्यूमन बींग डॉग को देखो, देखो कुत्ते को देखो, तो आप आराम से बता सकते हो कि भैया ये अलग प्रजाति है और ये कुत्ता अलग प्रजाति है और बिल्ली को देखो, देखते ही बोलोगे भैया ये तो अलग प्रजाति का है तो जितने भी डॉग होंगे वो आपकी आपकी डॉग होंगे कहने का मतलब भैया एक प्रजाति बनाते हैं जो आपकी मानव होंगे ये एक प्रजाति बनाते हैं ठीक है बेटा बात समझ में आ रही है सवाल फिर दोस्त मैम आपकी वॉइस पीछे चल रही है वीडियो से भैया वॉइस क्लियर नहीं है क्या एक बार रुकिए चलिए तो एक बार जल्दी से बताइएगा कि वॉइस क्लियर आ रही है शानदार तरीके से एक बार मुझे कमेंट करके बताइए अब क्लियर है एक बार बताइए थोड़ा सा सर एक बार ठीक करें जब तक आप मुझे कमेंट करके बताइए ओके चलिए चलिए ये भी आपकी बात हो जाएगी जो अंशिका क्या कौन है साहिल परमार हो जाएगा बेटा डोंट वरी ठीक है हो जाएगा फुल ईयर आपको भी थोड़ा सा आपकी भावनाओं को समझती हूँ कि आपको भैया आप पूरा साल आपको चाहिए भैया कब -कब तो आप और कब तक हम सिलेबस को खत्म करेंगे और किस तरीके से हम चलेंगे अगर आप पहली क्लास लेते क्लास इलेवंथ की तो आपको क्लियर हो जाता ठीक है और भी मैंने जो सेशंस लिए उसमें आपको क्लियर हो जाता अगर आप पहले की क्लासेस अगर आपने मेरी कभी ली होंगी तो आपको कन्फर्म होगा कि भैया हम चलते चाहे जैसे भी हैं लेकिन हम काम पूरा करते हैं अपना ठीक है सिलेबस आपका पेपर आने से पहले ही कंप्लीट होगा ये नहीं कि आप बोलो कि भैया एक महीने में मैम खत्म करवा दो सब कुछ तो ऐसा नहीं होगा हमें नीट की तैयारी भी ढंग से करनी है हमें क्लास इलेवेंथ को भी तरीके से पढ़ना है ठीक है बेटा हाँ ये कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हैं यार सही में पढ़ लो यार जितना पढ़ाया जा रहा है ना उसको पढ़ लो पहले ठीक है जितना करते जाओगे ना वो बहुत बेहतरीन करते जाओगे बस इतना विश्वास रखो जितना भी करोगे इतना बेहतरीन तरीके से समझ लोगे और और नोट्स और कंटेंट आपके घर बैठे बैठे आपको सब कुछ मिलेगा मैं सब कुछ दूंगी आप क्लास इलेवेंस वाले बच्चों को तो दूंगी क्योंकि तो वो अभी छोटे बच्चे हैं ठीक है, है? चलिए आप देखिए लेटस कंसिडर मैं फेरा इंडिका सोलेनम ट्यूबरोसम और आपका पेंथरा लियो बोला जैसा कि आपका लॉयन है पटेटो आलू है और आपका मंजीफेरा इंडिका मैंगो ये सब अलग अलग क्या बनाती है आप देखते ही बता सकते हो कि भैया ये, ये आम है और जितने भी आम है वो एक प्रजाति और एक जाति है और आलू अलग दिखाई देते हैं भैया और आपका शेर अलग दिखाई देता है तो सब अपने में ही अलग अलग स्पीसीज है ऑल थ्री नेम्स इंडिका जैसे अगर यहाँ पर बात की जाए कि मैंगो का बोटेनिक देखिये मैंगो का बोटेनिकल नेम होता है मेंजीफेरा इंडिका तो भैया इसका ये जो इंडिका होता है ये इसकी जाति है जैसे होमोसेपियन मैंने आपको बताया था जैसे होमो सेपियन किसका नाम है, जितने मानव हैं आपके इस पूरे संसार में जितने मानव हैं, जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी प्रजाति क्या है, हमारी स्पीशीज का नाम क्या है सेपियन है। वैसे ही आपका जो पॉटेनिकल नेम है आम का मेंजीफेरा इंडिका, इनके स्पीशीज का नाम क्या है इंडिका, पेंथरा लियो लॉयन की प्रजाति का क्या नाम है लियो ध्यान रखना आपका सोलेनम ट्यूबरोसम ट्यूबरोसम आपके स्पीसीज का नाम है किसके पटेटो का ऑल थ्री नेम्स इंडिका ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट वाइल द फर्स्ट वर्ड मैंजीफेरा सोलेनम मैंजीफेरा सोलेनम एंड पेंथरा आर जेनेरा एंड रिप्रेजेंट अनदर हाई लेवल ऑफ टेक्सॉन और कैटेगरी ध्यान रखना जो आपका बोला है कि ये जो मैंजीफेरा सोलेनम और पेंथरा है। मतलब ये जो पहला आपका शब्द है इसके नाम का मैंजीफेरा सोलेनम पेंथरा और पेंथरा बोला ये आपका हाइयर कैटेगरी है हाइयर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्योंकि सबसे नीचे स्पीसीज आती है स्पीसीज के ऊपर जीनस आता है और आपका ये जो पहला अक्षर होता है ना नाम का ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है वंश को दर्शाता है समझ में आया बेटा इधर उधर के कमेंट मत कीजिए इधर उधर के कमेंट मत कीजिए पढ़ने पर ध्यान दे लीजिए ऐसे डिस्टर्बेंस होती है क्लास में वरना मैं आपके कमेंट नहीं देखूंगी फिर आपको दिक्कत हो जाएगी मैम आप कमेंट नहीं देख रहे हो ठीक है तो यहाँ पर अभी पढ़ने का काम कीजिए देखिए जैसे ये नाम है पेंथरा लियो जैसे कि ये नाम है आपका मेंजीफेरा फेरा इंडिका जैसे कि आपका ये नाम है मेंजीफेरा फेरा इंडिका इसका जो ये वाला है ये आपकी स्पीसीज बताता है इसका जो दूसरा वर्ड है वो इसकी बताता है और जो इसका पहला वर्ड है वो जीनस बताता है जिसको वंश कहते हैं क्या कहते हैं जीनस और ये आपका जीनस है और इसको वंश कहते हैं इस बात को ध्यान रखना तो बोला गया है कि आपका जो पहला आपके जो नाम का जो आपके बोटेनिकल और जो भी आपका वैज्ञानिक नाम है उसका जो पहला अक्षर है वो आपको हाइयर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बताता है जैसे ये जीनस है ये स्पीसीज है तो जीनस इज अ अर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी देन स्पीसीज क्योंकि ये प्रजाति के ऊपर आता है इसलिए हाइयर कैटेगरी है ये आप ध्यान रखना है ये बात यहां पर बोली नेक्स्ट देखते हैं ईच जीनस में है देखिए एक जीनस में अब ये भी बड़े ध्यान से सुनना जैसे जैसे मैंने आपको कल भी बताया था जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे मतलब जैसे जैसे आप हाइयर ऑफ ऑर्गेनिज्म है आपके जो नंबर है जीवों का ऑर्गेनिज्म का जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा पहले भैया आप छोटे से कमरे में रह रहे थे तो, तो सिर्फ दो व्यक्ति रह रहे थे लेकिन जैसे आपने बड़ा घर ले लिया तो दो की जगह भैया चार आ जाएंगे आपने थोड़ा सा और बड़ा घर लिया तो आप दस आ जाएंगे और बड़ा कोठी ले ली तो भैया पचास लोग आ जाएंगे आपने पूरा गांव ले लिया तो भैया हजारों लोग आ रहे हैं आपने भैया पूरा का पूरा बोला कि इंडिया का जितना भी भैया ये एरिया है क्षेत्रफल है ये सारा भैया मेरा ही है जितना भी सरफेस है जितना भी एरिया है इंडिया का वो सब मेरे मेरे नाम पे तो भैया अब आपका पूरा इंडिया तो इंडिया की जितनी जनसंख्या भैया वो सारी आएगी इस तरीके से तो एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की है कि स्पीसीज जीनस फैमिली जैसे जैसे आप हाइयर कैटेगरीज में आते जा रहे हो जो ऑर्गेनिज्म का नंबर है वो बढ़ता जाएगा तो स्पीसीज में सिर्फ अगर आपकी सेपियन था तो सिर्फ ह्यूमन आ रहे थे लेकिन अब क्या होगा जब आप जीनस में एंट्री लोगे तो आपके जो ऑर्गेनिज्म का नंबर है वो बढ़ता जाएगा समझ रहे हैं इसका एग्जाम्पल देखेंगे भैया ये बात यहाँ पर बोली ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट जब आप जीनस पे जाओगे जब आप स्पीसी से जीनस पे जाओगे तो एक जीनस में एक से ज्यादा स्पीसीज आएंगी एक से ज्यादा प्रजाति

ज़्यादा क्या आएगी एक से ज्यादा प्रजाति आएगी और एक से ज्यादा आपकी क्या स्पीसीज आएगी स्पीसीज आएंगी जैसे कि कौन कौन सी स्पीसीज आती है जैसे कि पेंथरा पेरेडस आता है और जैसे कि पैंथरा पेरेडस आपका लेपर्ड होता है तेंदुआ जैसे आप जानते हैं इसमें पैंथरा टिगरिस भी आता है आप सभी को पता है टाइगर और इसमें पैंथरा लॉयन भी आता है तो तीन जातियां आ रही है, इसमें जितने भी लॉयन है शेर सब आएंगे आपके सारे के सारे टाइगर भी भैया आपके पेंथरा जीनस में आएंगे सारे के सारे लेपर्ड भी किसमें आएंगे आपके पेंथरा जीनस में आएंगे तो बोला है कि जीनस में एक से ज्यादा प्रजातियां आती हैं हैं और ये जो प्रजातियां जिसको आपने एक ही जीनस जीनस में डाल दिया ये एक ही तो जीनस है, पेंथर है जिसमें आपने तीनों की तीनों प्रजातियों को डाल दिया है तो ये जो आपने प्रजातियां डाली हैं इनमें कुछ मोरफोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होंगी कुछ आपकी समानताएं होंगी जिसके आधार पे आपने इन तीनों प्रजातियों को एक ही जीनस में एक ही वंश में रखा है इस बात को आप ध्यान रखना ये बात यहां पर बोली है और आगे हम ये चीज पढ़ेंगे देखिए पर पर लिख भी रखा है है में एक और है, और आती एनिमल का एग्जाम्पल है ये आपके प्लांट का ठीक है सोलेनम ट्यूबरोसम जो आपका पटेटो है जो आपका आलू है उसका बोटेनिकल और उसका वनस्पतिक नाम है तो बोला ये जो सोलेनम है इसमें एक और प्रजाति आती है एक भैया ये तो आती है ट्यूबरोसम तो आती है एक भैया नाइग्रम भी आती है ध्यान रखना भैया दो प्रजातियां आती है एंड मेलो एंड मेलन गीना भी आती है ये तीसरी प्रजाति होगी वैसे बोला ह्यूमन बींगस बिलोंग टू द स्पीसीज सेपियन विच इज ग्रुप्ड इन टू द जीनस होमो जैसे हमारी भैया प्रजाति स्पीसी हमारी प्रजाति क्या है हमारा स्पीसीज क्या है सैपियन और हम किस जीनस में आते हैं हम होमो जीनस में आते हैं होमो Sapiens तो है ना, है. हमारा नाम भैया. ये ये आपको इस में बोला गया है. आपकी का का आप species को ये पूरा का पूरा हमने जो आपका किस में पढ़ा है इंग्लिश में पढ़ा है आप इसको हिंदी में एक बार जरूर रीड आउट कर लोगे आपको समझ तो आ गई होंगी चीजें मतलब जो हमने पढ़ा है भैया वही चीज यहाँ पर दे रखे कुछ अलग नहीं है जो हमने पढ़ा है ठीक है बेटा तो ये चिंता मत कीजिएगा कि मैम आपने इंग्लिश में बताया समझाया मैंने सारा बेटा आपको हिंदी में ही है ठीक है अब आ जाइए वंश में और जीनस में जो हमने अभी पढ़ा ना बेटा अभी जीनस जो लास्ट में मैंने आपको पढ़ा है वही चीज जीनस के बारे में है एक बार एनसीआरटी से रीड आउट कर लेंगे शानदार तरीके से आप सभी को शानदार तरीके से दिखाई दे रहा है बोर्ड पे एक बार मुझे आप ये सब ये एक बार ये बता दीजिए आप सभी को शानदार रूप से दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो मैं रीड कर रही हूँ चलिए बहुत बढ़िया अगर दिखाई दे रहा है लाइट को कम करो ओके लाइट कम कर दीजिए समझ गए बहुत बढ़िया लाइट को कम कर देते हैं चलिए जीनस जीनस कॉम्प्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज देखिए बोला गया है कि जीनस में कौन आते हैं आपका जो जीनस है उसमें एक से ज्यादा प्रजातियां आती है जाति आती है जीनस कॉम्प्राइजेज अ ग्रुप समूह ग्रुप मतलब होते हैं समूह ग्रुप मतलब एक से ज्यादा एक से ज्यादा प्रजाति एक से ज्यादा ग्रुप किसका समूह किसका मैं बोलूंगी ग्रुप ऑफ योर फ्रेंड ग्रुप्स ऑफ योर फ्रेंड मतलब आपका एक ग्रुप है तो आप ग्रुप में अकेले थोड़ी होंगे आपका दोस्त भी होगा भैया है ना आपके दोस्त भी होंगे चलिए तो ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर देखिए कॉम्प्राइज आ ग्रुप ऑफ रिलेटेड कैसी प्रजातियां आएंगी आपके एक जीनस में जो भैया जिनमें कुछ समानताएं होंगी किसी को भी उठा के आप नहीं रख सकते आप पहले एक कमरे में रहते थे उसके बाद आपने एक घर लिया तो घर में आप किसी को थोड़ी घुसा लोगे जिसके साथ आपकी बनेगी उसी के साथ रहोगे है ना भैया बनती नहीं लड़ाई होगी दूसरे दिन वो व्यक्ति चला जाएगा तो आप एक घर में कौन से व्यक्ति को रखोगे जिसमें आप जिसकी आपके साथ बनेगी जो आपके साथ लड़ाई नहीं करेगा जैसे आप बोलोगे वैसे वो करेगा ठीक है आपके साथ साथ चलेगा भैया आप जो कहोगे भैया दोनों एकदम आप आपकी सोच मिलती है आप दोनों व्यक्तियों की तो आप एक घर में रह सकते हैं तो आप घर में रहोगे वरना आप घर छोड़ के चले जाओगे सिंपल सी बात है अगर हमारी सोच ना मिले अगर हम परेशान रहे आप और दूसरे व्यक्ति में सिमिलैरिटी ना हो तो आप क्यों एक साथ रहोगे आप तो चले जाओगे यही बात बोलिए कि भैया ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज रिलेटेड जिनमें समानताएं, जिनमें कुछ करेक्टर सिमिलर है विच हैज मोर करैक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ एनदर जेनेरा। जैसे कि क्या बोला है जैसे कि इसने बोला है जैसे यहां पर देखिए फॉर एग्जाम्पल देखते हैं जैसे पटेटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज आलू एक अलग प्रजाति है स्पीसीज अलग है ब्रिंजल भी एक अलग स्पीसीज है लेकिन इन दोनों को हमने लेकिन इन दोनों को हमने एक कॉमन जीनस में रख दिया एक जीनस में रख दिया दोनों प्रजातियों को जिसका नाम था सोलेनम ठीक है सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम ध्यान रखिए, इन दोनों प्रजातियों को हमने एक वंश में रख दिया जिसका नाम है सोलेनम क्यों रख दिया क्योंकि इन दोनों में समानताएं होंगी कुछ तो समानताएं होंगी तभी तो एक साथ रख दिया तो हमने इसको किस जीनस में रख दिया सोलेनम में यही बात यहां पर भी लिखी है जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था पेंथरा लियो पेंथरा पेरेडस पेंथरा टिग्रस विद सेवरल कॉमन फीचर आपका लॉयन टाइगर लेपर्ड सभी में कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जिसके बेसिस पे उनको एक जीनस में रखा जाता है जिस जीनस का नाम है पेंथरा ध्यान रखना ठीक है ये बोला यहाँ पर पैंथर दिस जीनस डिफर फ्रॉम एनदर जीनस लेकिन आपका ये जो पेंथरा जीनस है और आपका जैसे मान लीजिए आपका ये जो पेंथरा जीनस है इसमें कौन कौन आ रहा है मुझे बताएगा इसमें कौन कौन आ रहा है इसमें लॉयन आ रहा है लॉयन आ रहा है इसमें टाइगर आ रहा है इसमें इसमें लेपर्ड आ रहा है और आपका एक और जीनस होता है जिसका नाम होता है फेलिस ये जो फेलिस जीनस है इसमें कौन आता है कैट्स आती हैं कौन आती है बिल्लियां कैट्स और भी स्पीसीज आती है कैट से रिलेटेड मतलब जो भी जीनस आपका फेलिस होगा उसमें आपकी कैट्स की मतलब जिनमें सिमिलैरिटी होगी वो आएंगी आपकी फेलिस जीनस में तो आपका जो फेलिस जीनस है और आपका जो पेंथरा जीनस है भैया इनमें डिफरेंस है तभी तो अलग अलग जीनस बनाया ना लेकिन अगर इन दोनों में एक भी कॉमन फीचर होगा ना एक भी फिर इनको भैया हम एक साथ रख देंगे हाईअर कैटेगरी में ठीक है बेटा जीना समझ में आया इतनी बात क्लियर हुई अब आ हैं किसके ऊपर फैमिली के ऊपर अब आ जाते कुल के ऊपर देखिए अब इस बात को बड़े ही ना, हम आप, अपने निजी जिंदगी से जोड़ के देखेंगे ठीक है एकदम अपने आप से कि भैया हम घर में तो रहते हैं एक एक घर घर में में भैया आप उन्हीं लोगों के साथ रहते जब एक में रहते हो हो जब ना तो आपकी सबसे ज्यादा समानताएं होती हैं आप दोनों लोगों के बीच में बात क्लियर है एक बार फिर से सुनिए देखिए आप जब एक व्यक्ति के साथ एक कमरे में रहते हो तो उस व्यक्ति और आपके बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं सिमिलैरिटीज मतलब कि आपकी बहुत ज्यादा बनती है उस व्यक्ति से तभी तो उसके साथ रहते हो लेकिन जब आप एक घर में रहते हो तो भैया पहले दो मेंबर थे अब पांच मेंबर आ गए आपके घर में तो अब पांच मेंबर के बीच में समानताएं थोड़ी सी कम होंगी लेकिन होंगी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होंगी आपकी अभी भी थोड़ी बहुत बनती है किसी बातों पे नहीं बनती किसी बातों पे बनती है ठीक है समझ रहे हैं लेकिन जो समानताएं थी जो एक कमरे में आपके साथ व्यक्ति रह रहा था और जब आप घर में आप पांच व्यक्ति रह रहे हो उनमें डिफरेंस है एक व्यक्ति जब था तो भैया उसके साथ ज्यादा समानताएं थी आपकी ज्यादा बनती थी तब आप एक कमरे में थे लेकिन जब आप घर होता है तो घर में तो दो तीन कमरे होते हैं ना भैया एक नाराज हो गया तो दूसरे कमरे में चला जाएगा समझ रहे हो तो आपकी जो सिमिलैरिटीज होती है वो घट जाती हैं जब आप एक घर में रहते हो लेकिन सिमिलैरिटीज होती है पर घट जाती हैं अब यही घर अब समझिए यही घर है जो आपकी एक लोकैलिटी बन गया लोकैलिटी मतलब गांव समझ लीजिए गांव के भैया बच्चे हमारे साथ हैं तो समझ जाएंगे आपका एक एक तो पूरा गांव होता है फिर बेड़ा होता है अगर आपने कभी सुना है जैसे भैया मैं मेरा ये गांव का ये एरिया है जिसमें पांच छह घर होते हैं फिर एक दूसरा एरिया होता है जिसमें पांच छह घर होते हैं पांच छह घरों के लोग एक साथ रहते हैं पांच छह घरों के लोग एक साथ रहते हैं तो भैया ये जो पांच छह लोग हैं जो एक साथ रहते हैं इनमें जो समानताएं होंगी वो और घट जाएंगी एक घर में थे तो समानताएं ज़्यादा थी जब आप एक भैया एक आपका गांव हो गया गांव में पांच छह घर होंगे तो समानताएं कम हो गई समझ रहे हो, हो समानताएं कम हो गई तो अब आप जीनस के बाद जब फैमिली में जाओगे जब आप कुल में जाओगे आपका फैमिली में जाओगे गांव में तो आपके लोग तो ज्यादा हो जाएंगे और भी लोग आ जाएंगे अब आपकी फैमिली में लेकिन क्या हो जाएगा समानताएं घट जाएंगी आपके बीच में जो बनती थी वो कम हो जाएंगे भैया आप रहोगे तो एक साथ क्योंकि आप में कुछ कुछ ऐसे संबंध है कि भैया आप एक गांव के हो आप भैया एक एरिया में वहां पर आपने जन्म लिया तो आप सब एक साथ हो लेकिन समानताएं आपकी घट जाएंगी ये मेरी कहने की बात है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे अब गांव है गांव से भैया आपका गांव का पांच छह घर है फिर पूरा बड़ा सा गांव आएगा फिर दो तीन गांव एक साथ आएंगे तो एक जिला बन जाएगा एक डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट से आप क्या बोलते हो है ना फिर एक डिस्ट्रिक्ट समझ लो तहसील बनेगी उसके बाद जिला बन जाएगा इस तरीके से ही तो बनता है तो भैया ये ध्यान रखना मतलब ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल की तरह समझाने की कोशिश की है क्योंकि ये सब आप डेली लाइफ में सुनते होंगे गाँव जिला तहसील भैया अगर कोई शहर से है तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है अभी हम संत अभी हम सिर्फ पहले देखिए अब एक और चीज़ सुनिए अगर आप गाँव से नहीं हो ना अगर आपको समझ नहीं आया तो एक और बात सुनिए जैसे अभी मैं हम दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली में पूरी दिल्ली में तो रह नहीं रहे होंगे एक जगह पे रह रहे हैं अभी घर में रह रहे उस जिस उस घर में हम रह रहे हैं वो आपका क्या हो गया आपका एक घर में जब हम रह रहे वो आपका जीनस हो गया जब एक एरिया हो गया जैसे संत नगर आपका एक एरिया हो गया अब थोड़ा सा और बड़ा करो तो बुराडी हो गया अब बुराडी को थोड़ा सा और ब, का बड़ा करो तो नॉर्थ दिल्ली हो गया अब नॉर्थ दिल्ली को थोड़ा सा और बड़ा करो तो पूरी दिल्ली हो गया पूरी दिल्ली को थोड़ा सा और बड़ा करो तो भैया पूरा इंडिया आ गया समझ रहे हो तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो लोग तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन आपके बीच में जो सिमिलैरिटीज हैं वो घटती जा रही हैं ठीक है ये आप दिमाग में बस एक बात घुसा लेना और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती जाएंगी अब थोड़ा सा फैमिली पढ़ते हैं द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा जो आपकी जीनस अब अलग अलग जीनस थे अलग अलग जीनस थे अब जिन जीनस में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज हैं उनको फिर से इकट्ठा कर दिया और उनको एक फैमिली में डाल दिया एक कुल में डाल दिया समझ रहे हो आप देखते हैं एग्जाम्पल हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज कम सिमिलैरिटीज होती है एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसी स्पीसीज में तो सबसे ज्यादा होती है जीनस में सिमिलैरिटीज घट जाती है फैमिली में और घट जाएंगे भैया समझ रहे हो चलिए फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स बोला है जब आप फैमिली बनाते हो जब आप कुल बनाते हो और अलग-अलग जीनस को एक ही फैमिली के अंदर डाल रहे हो तो आप कौन से आधार पर डाल रहे हो कौन से गुणों के आधार पे उसको एक ही कुल के अंदर डाल रहे हो तो बोला है कुछ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कायक लक्षण और कुछ प्रजनन शक्ति प्रजनन लक्षण के आधार पर और वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव करेक्टर के बेसिस पे आप उनको बेसिसेक्टराइज कर रहे हो उनको एक फैमिली में डाल रहे हो ठीक है ऑफ प्लांट स्पीसीज देखिए एमोंग प्लांट अब यहां पर एग्जाम्पल दिया है शानदार आप सभी को इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूं और ये थोड़ा सा मिरेज कर देता हैं उसके बाद एग्जाम्पल पढ़ते हैं क्या दिया है देखिए एग्जाम्पल क्या दिया है फॉर एग्जाम्पल थ्री डिफरेंट जीनस यहाँ पर तीन अलग अलग जीनस दे रखे जैसे कि सोलेनम जीनस दे रखा है जिसमें आपका पोटैटो और ब्रिंजल आता है आप सभी को पता है एक और जीनस यहाँ पर दे रखा है पेटयूनिया एक और जीनस दे रखा है दतूरा ये तीन जीनस दे रखे हैं और इन तीनों जीनस को एक ही फैमिली के अंदर रखा जाता है जिस फैमिली का नाम है सोलोनेसिया फैमिली का क्या नाम रख दिया हमने सोलोनेसिया अब इनको एक ही फैमिली में रखा इनको एक ही गांव में रखा गया है तो भैया इनमें कुछ तो समानता होगी तभी तो रखा है लेकिन समानता कम है ध्यान रखना समानता है लेकिन बहुत कम है तभी एक गांव में आए भैया तभी एक फैमिली में रखा है फैमिली का क्या नाम है सोलो नेसिया ये यहां पर बात की गई है एमोंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल जीनस पेंथरा कॉम्प्राइजिंग लॉयन टाइगर लेपर्ड इज पुट अलोंग विद जीनस फेलिस कैट इन द फैमिली फेलीडी देखिए एक और बात अभी हमने जीनस में पढ़ा कि भैया ये लॉयन ये टाइगर ये, ये लेपर्ड को हमने पेंथरा जीनस में रखा है और जो कैट्स होती हैं उनको अलग जीनस में फेलिस में लेकिन आपकी फेलिस कैट्स वाला जो आपकी जीनस है और आपका ये जो लेपर्ड वाला जीनस है इसमें कुछ समानताएं हमें मिली जिसके बेसिस पे हमने क्या किया इन दोनों को भैया सेम फैमिली में रख दिया जिस फैमिली का नाम था फेलीडिये क्या नाम था फेलीडिये ध्यान रखना सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ अ कैट एंड अ डॉग लेकिन बोला है कि जब अगर तुम कुत्ते और बिल्ली के कैरेक्टर देखोगे ना यूलैरिटी आप एक और भैया बिल्ली को देखोगे तो उनको अलग अलग फैमिली में रखा गया है साथ में नहीं रखा गया अलग अलग कुल में है अलग अलग फैमिली में है जो बिल्ली की फैमिली है वो फेलीडिय है और जो कुत्ते की फैमिली है वो कैनिडिय है och

गाँव था गाँव के पांच छे घर थे मतलब छोटा सा एरिया देखिए आप अगर में रहते हैं ना तो गाँव में भी अलग मोहल्ला होता है में भी अलग अलग मोहल्ले मोहल्ले होते हैं जैसे जिस में पांच छे घर होते हैं एक दूसरा मोहल्ला जिसमें और पांच छे घर समझ रहे हैं जैसे आपका ये गाँव है इसमें ये जो मोहल्ला है इसमें पांच छे घर होते हैं ध्यान रखना ये मोहल्ले में पाँच छे घर ये मोहल्ले में तो ये पूरा एक गाँव बनता है ऐसे गाँव बनता है अगर आपने कभी गाँव में रहते हैं तो आपको पता होगा भैया भैया शहर वाले ज्यादा बच्चे तो है नहीं हमारे साथ गाँव वाले बच्चे हैं तो उनको पता होगा गांव में मोहल्ला होता है जैसे भैया मेरा जो गाँव है वो हिमाचल में है और भैया जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वो मवा मतलब वो अलग मोहल्ला है क्यार मोहल्ला बोलते हैं आप पता नहीं होगा आपको क्या भैया हिमाचली में अलग अलग भैया वर्ड होते हैं सभी में अलग अलग होते हैं अब कोई हरियाणा का होगा कोई बिहार का होगा यहाँ पर क्लास में लेकिन अलग अलग मोहल्ले होते हैं जैसे हमारा मोहल्ले का नाम था क्यार मोहल्ला एक मोहल्ला है जो बड़ा मोहल्ला बोला जाता है उसको बड़ा नाम ही उसका है बड़ा मोहल्ला तो अलग अलग मोहल्ला होता है तो सर जो भी मोहल्ला होता है उसमें भैया कुछ फैमिलीज कुछ घर होते हैं जैसे पांच छे घर यहाँ पर हो गए छह सात घर भैया इस मोहल्ले में और पूरे एक मोहल्ले सारे मोहल्ले को मिला के एक गाँव बनता है जो हमारे गाँव का नाम था मवा कोहल्ला ये हमारे गाँव का नाम है ठीक है बेटा तो इस तरीके से होते हैं अगर आपको पता होगा यस मैम बहुत बच्चे बोल रहे हैं ठीक है अमन राठौर यस मैम मालूम है तो ऐसा होता है बेटा अब क्या किया सेम यहाँ पर ऐसी चीज हो रही है अब आपने फैमिली बनाई ठीक है मोहल्ला बनाया मोहल्ला के बाद अब आप गाँव बनाओगे तो गाँव में अब आपका जो गाँव में एक मोहल्ला थोड़ी कई सारे मोहल्ले हैं लेकिन भैया वो एक ही जगह पे आ रहे हैं ना एक ही गाँव में तो भैया उसमें इतनी सिमिलैरिटी है सिमिलैरिटी और कम हो गई ठीक है अलग अलग घर हैं अलग अलग मोहल्ला लेकिन एक ही गाँव के अंदर है सिमिलैरिटी कम है लेकिन है तो सही चाहे एक हो चाहे दो हो लेकिन है तो सही भैया एक ही जगह में है ना तभी तो एक गांव में आए तो यही बात यहाँ पर है यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज बोला तुमने पहले देखा अभी कि जो जाति होती है जो वंश होता है और जो फैमिली कुल होता है आर बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर आप ये जो स्पीसी जीनस फैमिली आपने अभी तक बनाया है वो किस बेसिस पे बनाए हैं वो सिमिलैरिटीज के बेसिस पे क्या समानताएं हैं उसके आधार पे आपने ये ग्रुप्स ये कैटेगरी बनाई हैं बोले जनरली ऑर्डर एंड अदर हाइयर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ करैक्टर। बोले अब जो तुम एक हाइयर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बनाने वाले हो जो कि आपका ऑर्डर है गण है तो बोला है कि ये जो आप कैटेगरी हायर कैटेगरी बनाओगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ करेक्ट मतलब आप यहां पर कोई अलग बात नहीं बोली है इसने बोला यही है कि भैया कुछ करेक्टर को ढूंढोगे कि भैया कौन से करेक्टर किसके मिलजुल रहे हैं फिर उसको एक ही ऑर्डर में रख दोगे एक ही गांव में रख दोगे समझ रहे हो चले यही बात यहां पर बोलिए ऑर्डर बींगर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली बोले ऑर्डर एक हाइयर कैटेगरी है किससे फैमिली

Like, कुछ -कुछ अलग -अलग एक एक जिसमे भैया कुछ जीनस आते होंगे जिसमें कुछ भैया आपके अलग अलग जीनस आते होंगे है ना जैसे सोलोनेसिया में हमने पढ़ा कि पटेटो आता है ब्रिंजल आता है पटेटो ब्रिंजल का भैया जीनस है क्या सोलैनम कुछ और प्लांट भी आते हैं फिर इन सभी को मिला के उसने एक ही फैमिली में रख दिया है सोलोनेसिया में रख दिया है अब आपका कॉनवोलूसिए सोनो सोलोनेसिया आर इंक्लूडेड अब इनको एक ही ऑर्डर में रख दिया जाता है जिस ऑर्डर का नाम है पॉलीमोनियल्स कॉन्वल्यूसी एक अलग फैमिली है सोलोनेसिया एक अलग फैमिली ये अलग मोहल्ला है ये अलग मोहल्ला है दोनों मोहल्ले को भैया मिला के बोल दिया कि भैया ये ये गांव है ये ऑर्डर है बात समझ रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ समानताएं रही होंगी एक दो ही सही कुछ तो सिमिलैरिटीज होंगी जिसके बेसिस पे हम उसको सामान्य ऑर्डर में रख रहे हैं तो ये आप ध्यान रखना इनका ऑर्डर जो होगा वो पॉलीमोनियल्स होगा मेनली बेस्ड और किस बेसिस पे भैया आपका यहाँ पर डाला गया है इन दोनों को एक साथ क्यों रखा गया है इस ऑर्डर में इन किस बेसिस पे किस आधार पे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल करेक्टर उनके जो पुष्प के करैक्टर लक्षण होंगे उसके बेसिस पे इनको रखा गया है द एनिमल्स ऑर्डर देखिए अब एनिमल्स का भी एग्जाम्पल दिया द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा कार्निवोरा आपका ऑर्डर है किसका एनिमल्स का जिसमें कौन कौन सी फैमिलीज आती है Felidia आती है और Canidia. तो अभी जो हमने पढ़ा था ना भैया आपका फेलीडिय भैया डॉग की अलग फैमिली है कैट की अलग फैमिली है लेकिन इनमें भी सिमिलैरिटीज होती है कुछ थोड़ी बहुत जिसके बेसिस पे इन दोनों को भैया सामान्य ऑर्डर में रख दिया है फैमिली में नहीं रखा था इनको सेम इनको ऑर्डर में रखा गया है मतलब इनमें बहुत और भी कम लेस फीचर्स हैं जो सिमिलर हैं तो ये बात आप दिमाग में ध्यान रखना है, यहां से मेन क्वेश्चन आता है ठीक है अब आती है नेक्स्ट क्लास क्लास आपका नेक्स्ट हाइयर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है और बड़ा वर्गी की संवर्ग और आपकी कैटेगरी है इस बात को ध्यान रखिएगा ठीक है बेटा अब आ जाइए क्लास के ऊपर टेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा कॉम्प्राइजिंग मॉन्की गोरिला एंड गिबन इज प्लेस्ड इन क्लास मेमेलिया एलोंग विद ऑर्डर कार्डि वोरा देखिये यहां पर क्या बोला एग्जाम्पल दिया आपको डायरेक्ट देखिए दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर अब आपने गांव तो बना ऑर्डर थोड़ा सा और बढ़ते हैं गांव से अगर आप गांव से निकलेंगे भैया तो भैया एक गांव थोड़े होता है काफी सारे गांव होते हैं और गांव मिलके क्या बनाते हैं तहसील बनाते हैं क्या बनाते हैं तहसील ठीक है जैसे हमारी तहसील अम्ब है जहां पर हम रहते हैं मैं अपना एग्जाम्पल दूंगी भैया तुम अपना देना भैया मेरी तहसील अंब है, है ना तो वहां पर जितने भी गांव थे सबको मिला के भैया एक तहसील में रख दिया गया अब तहसील में जो गांव आए थे इनमें तो और भी कम फीचर्स होंगे लेकिन है तो एक ही जगह में ना हिमाचल के अंदर एक जगह है जहां पर सारे के सारे गांव आते हैं इसलिए हमने इसको एक तहसील दे दिया है समझ रहे तो फीचर्स और लेस हो गए हमारे के बीच में जो कॉमन फीचर्स थे और कम हो गए सिमिलैरिटीज का जो नंबर था जो बेसिस पे आप इनको एक साथ रखते जा रहे हो वो घटती जा रही है तो जैसे ही आप ऑर्डर के बाद रहे हो वो और कम हो चुके हैं अब करेक्टर आपके बहुत ही कम बचे हैं सिमिलर लेकिन कुछ तो सिमिलैरिटी है ना तभी तो भैया एक ऑर्डर में रख दिया तो ग्रुप ऑफ सिमिलर आप कह सकते ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर वो ऑर्डर जिनमें कुछ समानताएं हैं उन ऑर्डर को एक साथ रख दिया गया किसमें आपकी एक क्लास में अब यहां पर एग्जाम्पल देखेंगे कि भैया क्या दे रखा है दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स भैया जो रिलेटेड ऑर्डर्स हैं उनको एक साथ रख दिया गया जैसे कि एग्जाम्पल प्राइमेटा क्रो आपके जो प्राइमेटा क्या है आपका प्राइमेटा ध्यान रखेगा आपका प्राइमेटा क्लास है देखिए ध्यान ध्यान से याद रखिए सॉरी ऑर्डर आप आपका प्राइमेटा ऑर्डर है ठीक है ऑर्डर प्राइमेटा जिसके अंदर कौन कौन आते हैं मोंकी आते हैं गोरीला आते हैं गिब्बन आते हैं जिनको एक ही क्लास में प्लेस कर दिया गया है जिसका नाम है ममेलिया अलोंग विद द ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड एनिमल्स लाइक टाइगर कैट एंड डॉग देखिए बड़े ध्यान से सुनिए बहुत भैया शानदार बात की है मेमेलिया तो आप सभी ने सुना होगा स्तनधारी जीव आपके क्लास नाइन्थ में आपने जंतु जगत पढ़ा है आप बहुत बच्चे हैं जो नहीं पढ़ते हैं कोई बात नहीं नहीं पढ़ा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है हम जब जंतु जगत पढ़ते हैं अगर आपने कभी नाइन्थ के बुक आपके पास रखी है तो खोल के देखना वहां पर प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम पूरा का पूरा दिया है जो आप क्लास इलेवंथ में अभी पढ़ोगे आगे जाके तो आपका जो एनिमल किंगडम है उसमें आपके मैमल्स दे रखे हैं स्तनधारी जीव ये जो स्तनधारी जीव है इसमें हम भी आते हैं बेटा हम किस में आते हैं हम मैमल्स में आते हैं तो अब आपका क्या हुआ जो भी प्राइमेटा था प्राइमेटा आपका ऑर्डर है कार्निवोरा आपका ऑर्डर है जितने भी अलग अलग ऑर्डर है। हैं, हैं, जिनमें भी समानताएं उन सभी को एक क्लास में रख दिया गया जिसका नाम है मैमल्स स्तनधारी जीव हम भी तो आते हैं भैया है इसमें हम भी तो मैमल्स ही हैं, ठीक है बेटा तो ये बात आप ध्यान रखना कि भैया ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर को एक ही क्लास में रख दिया गया जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैमल्स और मेमिलिया आपका क्या हो गया एक क्लास हो गया नेक्स्ट आ जाइए फाइलम के ऊपर अब जैसे तहसील थी तहसील के बाद डिस्ट्रिक्ट आती है भैया तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट है जैसे ऊना डिस्ट्रिक्ट है भैया तहसील जिस अब डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील तो आती नहीं काफ़ी सारी तहसील आती है तब भैया एक डिस्ट्रिक्ट बनती है तो उसी तरीके से आपकी जो बहुत सारी क्लासेस में एक साथ आती हैं तो भैया फाइलम बनता है जैसे कि भैया मैमल आपकी क्लास है जैसे कि आपका एव्स पक्षी आपकी क्लास है जैसे कि आपके रेप्टीलिया है रेप्टाइल्स सरीसरे आते हैं जिसमें उभेचर आते हैं पक्षी आते हैं इन सभी को एक फाइलम में एक संघ में रख दिया गया जिसको आप कॉरोडेटा बोलते जिसको आप वर्टिब्रेटा बोलते हो क्या बोलते हो वर्टी दीज ऑल आर वर्टिब्रेट्स आपकी फिशेस वर्टीब्रेड्स हैं आपके उभ्यचर वर्टिब्रेड्स हम आगे जाके पढ़ेंगे इसे आपके जो पक्षी हैं ये उभ्यचर हैं आपके मेमल्स क्या है आपके वर्टिब्रेट्स हैं वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं हिंदी में वर्टिब्रेट्स को कशे रुकी बोलते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं ये एक सिमिलैरिटी है तो भैया जिस जिस में वर्टिब्रेट होते हैं उसको किस में रख दिया उसको फाइलम में रख दिया उसको उसको आपका वर्टिब्रेट फाइलम में रख दिया गया तो फाइलम आपका थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है फाइलम के अंदर क्या होते हैं जो आपके ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस आ जाती है सिंपल सी बात है कॉमन सी डेफिनेशन हो जाएगी क्लासेस कॉम्प्राइजेस एनिमल्स लाइक फिशेस जैसे कि फिश सरीसृप, पक्षी, along with, along with mammals, जिसको बोलते आप एक नेक्स्ट बर्ड कैटेगरी बन गया और संवर्ग बन गया जिसको संघ और फाइलम कहते हैं ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड एंड डोरसल होलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन द फाइलम डेटा 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 और सॉरी फाइलम फाइलम आपका data, ध्यान रखने है, आपका के भी आ, आते हैं, तो ये आप ध्यान हैं जैसे यहाँ पर तो एक और चीज कही है। मैंने तो आपको सिर्फ वर्टिब्रेट रीड की हड्डी बताई नोटो कोड क्या होती है यहाँ पर कंफ्यूज मत हो ना नोटो कोड से ही वर्टिब्रा बनती है ध्यान रखना क्या नोटो कोड से ही वर्टिब्रा बनती है जिनमें नोटो कोड होती है उनको तो कॉर्डेटा कहा जाता है जिनमें नहीं होती उनको नॉन कॉर्डेटा कहा जाता है ठीक है ये आप ध्यान रखिएगा और आपका एक और फीचर दे रखा है डोरसल न्यूरल कोड ये देख रहे हैं डोरसल न्यू सॉरी डोरसल होलो न्यूरल सिस्टम मतलब पीछे की तरफ हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड जाती है ये हमारा पीछे की तरफ होती है कॉर डेटा में और जो आपके नॉन कॉर डेटा होते हैं उनकी आगे की तरफ होती है कुछ एक कुछ फीचर्स होते हैं जो कॉमन कुछ फीचर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम मछलियों को पक्षियों को इन सभी को एक संघ में रखते हैं जो कि कॉर डेटा होते हैं और दूसरा संघ क्या होता है नॉन कॉर डेटा होता है दूसरा संघ क्या होता है नॉन कॉर डेटा होता है इसको ध्यान रखना इनकेस ऑफ प्लांट प्लांट में भी ऐसा होता है ध्यान रखना एक और चीज जैसे एनिमल्स में फाइलम बोलते हैं वैसे ही जब हम प्लांट के फाइलम की बात करते हैं तो वहां पर फाइलम शब्द प्रयोग नहीं होता फाइलम की जगह डिवीजन बोला जाता है यह भी आप ध्यान रखना जैसे यहां पर लिखा है इन केस ऑफ प्लांट क्लासेस विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू अर कैटेगरी जैसे आपका फाइलम बोला जाता है आपके एनिमल्स को, मतलब एनिमल्स जब हम एक साथ रखते हैं, उनको फाइलम बोलते हैं। उसी प्रकार प्लांट में फाइलम की जगह डिवीजन शब्द का प्रयोग होता है ये आपको ध्यान रखना है इस बात को ठीक है बेटा फाइलम और डिविजन के बाद किंगडम आता है जिसको आप जगत बोलते हो तो यहाँ ये तो सबसे बड़ी कैटेगरी है ना इसमें तो दो जगत बन जाते हैं आप तो पूरा हिमाचल आ गया भैया तुमने सारी डिस्ट्रिक्ट को मिला के पूरा हिमाचल प्रदेश बना दिया अब हिमाचल प्रदेश में कोई एक गांव भैया ढेर सारे गांव हैं, अलग अलग लोग हैं और भी कम फीचर लोग तो बढ़ गए भैया इतना बड़ा हिमाचल प्रदेश इतने सारे लोग हो गए लेकिन इनके बीच में जो समानताएं थी वो और घट चुकी है तो ये आप ध्यान रखना अब आ जाता है जगत ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर वेरियसाइन टू हाइएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स द किंगडम ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंग एंड कॉम्प्राइजेज ऑल प्लांट भैया आपका एक एनिमल किंगडम होता है जिसमें सारे एनिमल्स आते हैं चाहे फिर कॉर डेटा चाहे फिर वो इंसेक्ट हो चाहे फिर वो मछली हो सब एक ही जगह आते हैं एनिमल किंगडम जितने भी प्लांट है चाहे वो एलगी ब्रायोफाइटो एनजीओ जिमो अनावृत बीजी, आवृत बीजी जितने भी हैं सारे एक ही जगत में रख दिए प्लांट किंगडम में समझ में आई बात तो यही चीज यहां पर लिख रखी है ये आपके किंगडम बन गए यहां पर, पर आपके कुछ फीचर दे दे रखे हैं जो हमने डिस्कस कर, कर लिए साथ साथ में ठीक है जो हम डिस्कस कर चुके हैं साथ साथ में और ये फीचर्स मैं आपको कल बता दूंगी अभी समय हो चुका है ये छोटा सा ये पैराग्राफ आपका बचा है ये मैं आपको टाइप करके दे दूंगी और ये छोटा सा यहाँ पर भी बचा है और ये आपका टेबल है इस टेबल को आपको लर्न करना है और कल की क्लास में आपको लर्न करके 110 परसेंट लर्न करके आना है कौन कौन से नाम दे रखे आपका मानव का वैज्ञानिक नाम और सारा आपको याद करना है कि इसकी जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास क्या है हाउस फ्लाई का याद करना है मैंगो का याद करना है वीट एक दो तीन चार चार ही है और चारों की जीनस स्पीसीज ऑर्डर क्लास सब लर्न हो जाना चाहिए रट जाना चाहिए कल तक ठीक है सबसे पहले आते ही मेरा क्वेश्चन आपसे यहीं से होगा कि बताओ मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है हाउस फ्लाई का फैमिली का नाम क्या है बताइए वीट का ऑर्डर क्या है ये मैं आपसे कल आते ही पूछूंगी तो ये आपका लर्न होना चाहिए स्टार लगा लेना इसके ऊपर और इसके बाद कल से एक तो ये हम छोटे छोटे से ये जो पैराग्राफ बचे हैं दो आपके इसको मैं आपको डायरेक्ट पीपीटी में लिख के दूंगी क्योंकि यहां से बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बनते हैं जो बहुत जरूरी जो आपके पास लिखित होने चाहिए ठीक है बेटा तो कल लास्ट आपका टेक्सोनॉमिक एड बचा है इसमें मैक्सिमम आपकी दो क्लासेस लगेंगी और फिर आपका ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे और बायोलॉजिकल फिर शुरू होगा भी लंबा चैप्टर है ध्यान रखना वो भी कोई एक दिन में दो दिन में तीन दिन में खत्म होने वाला चैप्टर नहीं है लंबा चैप्टर है थोड़ा सा ठीक है बेटा लेकिन उसको बहुत अच्छे से हमें कवर करना है ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको हम ढीला छोड़ते हैं अगर इनको हम एक बार अच्छे से समझ लें तो हमें बार बार करने की जरूरत ही नहीं इसमें दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा हमें ज्यादा क्योंकि ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो स्कोरिंग चैप्टर हैं जो एक बार पढ़ने से आ जाएंगे इस बात को ध्यान रखना आप सभी कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी लाइक ज़रूर करना अगर आपको पसंद आई है और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को जोड़िए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि भैया अगर YouTube में कि भैया बायो की क्लास भैया आपकी ऐसी होनी चाहिए जो पूरा YouTube जाने और भैया और ऑफलाइन जितनी भी आप कोचिंग लेते हैं वो जाने कि भैया आपके यूट्यूब में भी ऐसी क्लासेज होती हैं जिसमें आपको मैक्सिमम कंटेंट बिना पेड कोर्स बिना कुछ दिए आपको दिया जाता है विद मैक्सिमम कंटेंट और बेस्ट क्लास आपकी यूट्यूब की होनी चाहिए वो आप ही कर सकते हैं आपके सपोर्ट से ही होगा आपकी मेहनत से होगा जब आप सिलेक्शन लोगे तभी हमारा नाम होगा ठीक है बेटा इसी के साथ मैं क्लास का अंत करती हूं आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत